निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के नाम पर शहबाज शरीफ और पीटीआई आमने सामने। शहबाज शरीफ नासिर सईद खोसा के नाम पर डट गए, कहते हैं नासिर सईद खोसा ही निगरान वज़ीर-ए-आला होंगे। पीटीआई ने आवाम के साथ मजाक किया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद चाकी इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहते हैं यू टर्न लेना पुरानी आदत है। निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम का ऐलान करने के बाद नाम वापस लेना मुमकिन नहीं। राणा सनाउल्ला का कहना था कि निगरान वज़ीर-ए-आला पर पीटीआई जैसी गैर संजीदा जमात से दोबारा मुशावरत नहीं हो सकती। पीटीआई को एतराज था तो नासिर खोसा को कहती वो अपना नाम खुद वापस ले लेते। कौमी असेंबली आज अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आला शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग की हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद चाबी ऐवान में अलविदाई खिताब करेंगे। बलोचिस्तान असेंबली में आइंदा आम इंतखाबात की तारीख में 1 माह की तौसी की करारदाद मंजूर। बलोचिस्तान के वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी की जानिब से असेंबली में करारदाद पेश की गई। आम इंतखाबात मुकर्रा वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक बता दिया, कहा हल्का बंदियों की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इंतजामात मुकम्मल हैं, इलेक्शन का शेड्यूल अपने मुकर्रा वक्त पर जारी होगा। निगरान वज़ीर आज़म और वज़राए आला की शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस समात। वाजिद जिया पर नवाज शरीफ के वकील की जिरह। सरबराह जीआईटी ने कहा यह दुरुस्त है। 5 जुलाई 2010 से 30 जून 2011 तक जो अमरीकी डॉलर मौसूल हुए वो हुसैन नवाज की तरफ से बतौर तोहफा थे। 11,50,459 अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। 18 अक्टूबर 2012 तक ये रकम अमरीकी डॉलर अकाउंट में पड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत काबीना का इजलास न बुलाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इजहार बरहमी। काबीना ने असगर खान केस से मुतालिक अब तक कोई फैसला क्यों नहीं किया, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। शाम तक काबीना का इजलास बुलाकर फैसला करने की हिदायत। और स्मोक कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नए दरख्त लगाए जाएं, पुराने दरख्तों का तहफ्फुज किया जाए। एयर इंडेक्स 300 होने पर शहर में इमरजेंसी सायरन बजाने की भी सिफारिश।